स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम आपके लिए एक साइंस की नई सीरीज लेके आए हैं, जिसका पहला वीडियो पब्लिश हो चुका है। एनसीईआरटी साइंस की नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हमको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उसी क्रम में आज हम एक तीसरा चैप्टर लेके आए हैं, जो पहले वीडियो पब्लिश हुई थी। उस वीडियो को आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया पहली वीडियो को, तो उस रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए चैप्टर 3 लेके आए हैं एनसीईआरटी का। पहले दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पहला चैप्टर है फूड के बारे में बताया गया, दूसरा चैप्टर है उसके भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया गया है। तो आपने देखा होगा बेसिक से चैप्टर थे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हमने वहाँ पर डिस्कस की। बेसिक सी चीज़ों से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभी, तो बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने क्लास 6 से स्टार्ट की है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर 3 लेके आए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम तंतु क्या होते हैं, एक्चुअली जो वस्त्र होते हैं उसकी एक यूनिट होती है तंतु, तो इसके बारे में जो फाइबर्स हैं विभिन्न प्रकार के रेशे, जिसको तंतुओं को रेशे बोलते हैं, इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं, उनके विषय में हम आज जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो कपड़े की क्वालिटी है, जो वस्त्र की क्वालिटी है, वो एक्चुअली में जो निर्भर करती है वो तंतु पे ही करती है, जो रेशे पे ही उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। जैसा रेशा होगा जिस क्वालिटी का, वैसा ही तंतु होगा। आप कभी मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं तो वो बोलता है ये देखिए इस फाइबर का बना हुआ है, बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो वो एक्चुअली वो फाइबर की क्वालिटी बताते हैं। तो फाइबर की जो क्वालिटी जो है वो डिसाइड करती है कि हमारा जो कपड़ा कैसा होने वाला है, जो यूनिट है। फाइबर से फिर हम धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, इनमें एक प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्रकार के फाइबर्स को डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, और कहाँ कहाँ जो नेचुरल फाइबर होते हैं कैसे कैसे हम प्राप्त करते हैं, किस किस क्षेत्र में जो है इंडिया में नेचुरल फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने कुछ MCQs भी डाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और MCQs से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अवेलेबल हैं। आप अधिक जानकारी के लिए इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 85 से जो नंबर स्टार्ट हुआ है इस पे आप जो है व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो 7 8 से जो नंबर स्टार्ट है इस पे आप टेलीग्राम पे के थ्रू टेक्स्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन के थ्रू आप इस पे टेक्स्ट करिए और जानकारी ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए जानकारी चाहिए हो। इसमें आपको एक कंप्लीट सिलेबस मिलेगा इन सारे कोर्सेज में, प्री और मेंस का, और काफ़ी घर बैठे अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले छात्र हैं तो। और उसके अलावा मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो तमाम वीडियोज़ हम लोग लेके आते हैं उसके नोटिफिकेशन वहाँ से आपको मिल सकते हैं। कभी कभी YouTube से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं, तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो है फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और जो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। स्टडी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आती हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं है तो उसको इंस्टॉल करें और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिए काफ़ी लंबा जो है इंट्रोडक्शन हो गया, तो चलिए हम अब हमारे जो चैप्टर जो हमें पढ़ना है उस पे आते हैं। तो देखिए जो कपड़े होते हैं वो एक्चुअली में मैंने बताया तंतुओं, उनकी यूनिट जो होती है तंतु होती है, रेशे जो होते हैं इनको फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर से बनाते हैं हम, फाइबर को प्रोसेस करके बनाते हैं तागा, तागे को फिर बुनते हैं और प्रोसेस करके उससे कपड़ा बनता है। तो एक्चुअली विभिन्न प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, उनसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े और वस्त्र चीजें बनती हैं, फैब्रिक बनते हैं, और उन जो तंतुओं की क्वालिटी होती है
उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो डिसाइड होती है क्वालिटी, जो कपड़ा कैसा होगा। कोई कोई कपड़ा होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका जो है फाइबर अच्छा होता है। कोई कोई कपड़ा जो है फायर फ्री होता है, उसमें आग नहीं लगती, वो भी बहुत ज़्यादा वो जो है स्पेशल प्रकार के किसी फाइबर का बना होता है जो कपड़ा होता है। तो इसीलिए जो कपड़े की क्वालिटी होती है वो उसकी यूनिट जो होती है जिनसे हम तंतु बनाते हैं उस पे ही जो तंतु होते हैं उससे उस पे निर्भर करती है। तो पहले बनता है तंतु, या तो नेचुरल अकरिंग होगा या उसको सिंथेसाइज करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा धागा बनाते हैं उससे प्रोसेस करके। फिर उसके बाद उस धागे से बनता है कपड़ा। तो वही वही प्रोसेस हमें डिस्कस करना है आज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख लीजिए एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें देख लीजिए तंतु है, फिर तंतु से बन गया हमारा तागा, और तागे से बन गया कपड़ा। सबसे छोटी यूनिट तंतु है, फाइबर, फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक। तो ये देख लीजिए आप 1 2 3। अब ये देख लीजिए यहाँ पे एक कोई एक कपड़ा है, उसमें से एनसीईआरटी से पिक मैंने लिया है, इसमें से देख लीजिए धागा खींच रहा है। कभी आपने अपने संग भी नोटिस किया होगा कपड़े में से धागा निकल आता है, वो एक्चुअली धागा होता है। वो भी एक तंतुओं से मिलकर बना होता है, वो एक यूनिट नहीं होती कपड़े की, जो धागा होता है उसको भी प्रोसेस करके तंतुओं से बनाया होता है। तंतु जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत रेशे जिनको बोलते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनाया जाता है। ये देखिए कभी आपने देखा होगा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए एक धागा है, फिर धागे को स्प्लिट किया, तोड़ा है। तो ये देख लीजिए कैसे जो है छोटे छोटे भाग बन गए यहाँ पे। ये देख लीजिए ये तंतु हैं जो सब छोटे छोटे। अभी आपने कभी सुई में धागा भी डाला होगा, आपने यहाँ भी नोटिस किया होगा, जब सुई में धागा डाल रहे होते हैं तो उसमें जो आपका जो धागा है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत बहुत रेशे उसमें होते हैं, वो कुछ नहीं होता वो एक्चुअली में जो है फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, तंतु होते हैं। तो सबसे पहले हो गया तंतु, फिर तंतु से बनता है धागा, फिर धागे से बन गया कपड़ा। अभी तंतुओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये मिलते कहाँ हैं, कहाँ से पाए जाते हैं। तो जो कुछ तंतु होते हैं वो नेचुरल अकरिंग होते हैं। अभी देख लीजिए वुल हो गया, ऊन जो हो गया, हमारा जो सिल्क हो गया, रेशम जो हो गया, ये एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। जो वुल है, जो ऊन है, वो आपको जब भेड़ का नाम सुनते होंगे तो उसको ऊन से एसोसिएट करते होंगे, भेड़ से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, भेड़ की जो स्किन है उस पर ऊन जो है उगाती है और उससे जो है ऊन निकाली जाती है। और दूसरा सिल्क जो है, जो नेचुरल सिल्क है, वो एक प्रकार का कीट होता है, उससे प्राप्त किया जाता है, उस सिल्क वॉर्म उसको बोलते हैं, उसके कोकून होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। रेशम का जो कीट होता है उसका लाइफ साइकिल, कोकून होता है, एक लाइफ साइकिल होती है उसके, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसको कोकून बोलते हैं, जो पूरा जो आपका जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें से फिर जो है रेशे निकाल के सिल्क बनाई जाती है। और कॉटन और जूट है, वो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन जो है एक कपास का पादप होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है, और जो जूट है, जूट एक प्रकार का पटसन पादप होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो नेचुरल में भी दो पार्ट होते हैं, नेचुरल अकरिंग जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, एक तो एनिमल से जो ऑब्टेन होते हैं और एक प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। तो देख लीजिएगा दोनों, दो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। तो अब यहाँ पे ऊन के बारे में बताया गया है, ऊन भेड़ और बकरी के शरीर से प्राप्त होती है, और एक याक और ऊंट के बालों से भी ऊन, एक प्रकार की ऊन बनाई जाती है। तो ये नेचुरल वाली ऊन होती है। और जो सिल्क है, सिल्क कीट, एक जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, सिल्क कीट, उसके कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो आप एक बात बताइए, अच्छा कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए, जो सिल्क वॉर्म है वो किस संघ में आता है, संघ मतलब किस फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, एनेलिडा में आता है, या मोलस्का में आता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, प्लीज बताइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करिए, इससे इंटरेक्शन होता रहेगा हमारा आपका, और आपको जो नॉलेज भी बढ़ती रहेगी आपकी, जो एक आपको एक थ्रस्ट लो होगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो जाके आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो सिल्क वॉर्म है किस फाइलम में आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिल्क वॉर्म दे रखा है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस फाइलम में आता है। और एक चीज और बताइएगा आप, इस सिल्क वॉर्म जो कीट होता है, इसका एक साइंटिफिक नेम, जो वैज्ञानिक नाम होता है, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको आपसे आज पूछे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इनके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसके आंसर देते हैं। और तो ये और जो एक जानकारी मैं देने, जो सिल्क वॉर्म जो है वो एक शहतूत का पेड़ होता है जिसको इंग्लिश में मलबेरी बोलते हैं, उसके ऊपर जो होता है अपना जीवन यापन करता है, उसके ऊपर सर्वाइव करता है। तो मलबेरी के जो जो सिल्क वॉर्म, सिल्क को कल्टीवेट करने के लिए मलबेरी प्लांट भी होना जरूरी है, उसके ऊपर जो है आपका सिल्क वॉर्म। तो शहतूत का जो पेड़ है उस पे हम जो सिल्क वॉर्म है सर्वाइव करता है। अभी देख लेते हैं कि क्या नेचुरली अकरिंग तंतु होते हैं उसके अलावा भी किसी प्रकार के तंतु होते हैं, या जो प्रकृति से ही हमें मिलते हैं। तो मैं बता दूं, अभी पहले ज़माने में क्या था कि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी और इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट भी नहीं था, तो जो प्राकृतिक तंतु होते थे उससे ही वस्त्रों का और चीज़ों का निर्माण किया जाता था। अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है और साइंटिफिक जो है हमारी जो नॉलेज भी बढ़ गई है, तो उसके बाद जो है डेवलपमेंट हो गया है, सिंथेटिक फाइबर भी बनाए जाने लगे हैं आर्टिफिशियल। आजकल ज़्यादातर आर्टिफिशियल फाइबर के कपड़े पहने जा रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसको जो है कपड़ा देना है, उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है, तो उसके लिए सिंथेटिक फाइबर का निर्माण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। आजकल जो नेचुरल अकरिंग जो फाइबर्स हैं उससे इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा कल्टिवेट ही नहीं हो पाता है वो। तो अभी देखिए तो उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अभी ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, संश्लिष्ट तंतु इसको बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके हो गए पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये 3 एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में दिए गए, इसको तो जरूर ध्यान कर लें। संश्लिष्ट तंतु के एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, नायलिन, एक्रिलिक होते बहुत सारे हैं, जो 3 इसमें दिए गए हैं, इसको तो जरूर जरूर ध्यान में रखें। अभी देख लेते हैं कपास के बारे में। कपास एक प्रकार का नेचुरल अकरिंग जो है, नेचुरल प्रकृति से हमें मिलता है तंतु है। इसको जो है प्राप्त किया जाता है कॉटन वॉल से। कॉटन वॉल्स क्या होती हैं? कॉटन वॉल्स होते हैं जो उसके ऊपर जो है उसका फ्रूट होता है, कपास के जो फ्रूट उगता है उसको कॉटन वॉल बोलते हैं। तो इस कॉटन वॉल से फिर जो है इकट्ठा करके इसको तंतुओं को इकट्ठा किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, या हिंदी में उसको कहते हैं कपास ओटना। अब ये देख लीजिए, एक लेडी इस पिक्चर में दिखाई गई हैं, ये जो है कपास को ओट रही हैं। ये प्रक्रिया होती है, इससे कपास निकाली जाती है। बहुत अभी तो मशीन भी आने लगी हैं इसके लिए, तो ये हाथ हाथ का एक प्रोसेस है, इसको कपास ओटना बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा प्रोसेस को। ये देख लीजिए जो कपास की पूरी फील्ड है, एकर्स में जो कपास की फील्ड फैली होती है, और उसमें आपको मिलेगा देखने को, जब आप देखेंगे जब ये जो उसके कॉटन वॉल्स होती हैं जो फट जाती हैं, तो ये बाहर निकल आती है जो कॉटन होती है, तो देखेंगे पूरा स्नो फील्ड की तरह लगती है। ऐसा लगता है पूरा में बर्फ बर्फ फैली हुई है पूरे में, दूर से आप अगर देखेंगे पूरा वाइट जो है स्ट्रक्चर दिखेगा दूर से आपको। तो ये कॉटन फील्ड का एक पिक्चर है, मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पे लेके डाल दिया। आप कॉटन प्लांट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, कहाँ उगता है, किस क्षेत्र में उगता है। तो जो कॉटन का प्लांट है कपास का, वो उस क्षेत्रों में उगता है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अभी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? और हाँ, और थोड़ा गर्म क्लाइमेट यहाँ का होता है, गर्म क्षेत्र होते हैं मतलब। तो ये काली मिट्टी जो पाई जाती है वो हमारा जो है पेनिनसुलर रीजन होता है, उसका जो डेक्कन प्लेटो होता है, जो दक्कन का पठार है, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ इसका कल्टीवेशन बहुत होता है। अभी देख लीजिए एग्जाम्पल इसके कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है, गुजरात हो गया, ओडिशा हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ये सब पेनिनसुलर इंडिया के रीजन हैं और स्टेट हैं, और ये जो है डेक्कन क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कपास का जो है कल्टीवेशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो दो कंडीशन इसके लिए जो है कपास के लिए, काली मिट्टी और गर्म क्षेत्रों में पाए जाना, जो आपका ये हो गया काली मिट्टी गर्म क्षेत्रों में, ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट, और ये जो है स्टेट है जहाँ मेनली पाई जाती हैं। अभी फ्रूट को इसको बोलते हैं कॉटन वॉल्स, और आफ्टर जब मेच्योरिंग हो जाता है, परिपक्व हो जाता है
इसके गोलक फटते हैं और जो बीज हैं उसके चारों ओर कॉपर बीज को घिरा देखा जा सकता है कपास से, वाइट स्ट्रक्चर जो हमने अभी दिखाया था यहाँ पे, आपको देखा होगा ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, ये जो है कपास सीड से बाहर निकली हुई है, ये कपास गोलक में से फटा है और अभी ये सीड में से बाहर निकली है, अब इसको जो है निकाल लिया जाता है, फिर इसको ओट के सीड में से अलग किया जाता है, उसको कपास ओटना कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, हमने डिस्कस किया है, तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ है। परिपक्वता के बाद जो है गोलक फटते हैं और बीजों में से दिखाई देने लगती है और उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब बात करते हैं जूट की। जूट जो है एक जो पादप में से बनाया जाता है, जिस पादप से इसका निर्माण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं पटसन पादप। पटसन पादप के तने से, ये चीज ध्यान रखिएगा कि पौधे के किस पार्ट से क्या चीज प्राप्त की जा रही है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। ये देख लीजिए, ये जो है तने से प्राप्त किया जा रहा है उसके, पटसन पादप के, क्यों इसके इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो कि वो जो जूट है वो पटसन पादप के जड़ से प्राप्त की जाती है, ये कथन दिया है, तो आप कहेंगे पटसन पादप दिया है तो से प्राप्त किया जाती है, आप उसको करेक्ट कर देंगे अगर आपको डिटेल में नहीं पता है। तो इसके तने से प्राप्त की जाती है, जो तने को क्या करा जाता है, उसके बाद जो है तने जब ये मैच्योर हो जाता है प्लांट, उसके बाद तने को जो है आपका डालकर पानी में डुबोकर गला लेते हैं और उसके बाद जो है पटसन तंतु जो जूट के तंतु हैं उसको अलग कर लेते हैं और फिर उसको जो है तैयार करते हैं आगे की प्रोसेस के लिए, उससे फिर जो चीज़ें बनानी है आपको हमें, रेशे जो धागे और वो सब चीज़ें बनानी है, ये सब चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। और हाँ, जो जूट जो है सब बहुत ज़्यादा जो कल्टीवेशन जो जूट का है इंडिया के परस्पेक्टिव से देखा जाए, इंडिया में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में जूट पाई जाती है वो पश्चिम बंगाल है, बिहार में होता है, असम में होता है। तो देख लीजिए, ये जो ईस्ट वाले एरिया है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, असम नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो वहाँ पे जो है इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जूट का, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो इंडिया के बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है। अच्छा, और उसका कल्टीवेशन कहाँ हो रहा था ज़्यादा, क्या बोलते हैं, कपास का, जो कपास का कल्टीवेशन था हमारा इस एरिया में ज़्यादा हो रहा था, ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया यहाँ पे, और ये जो है ये इधर ईस्ट में एरिया हो गया ईस्ट वाला, और नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है इसका जो जूट है, ये पूछा जा सकता है एरिया वाइज, स्टेट नहीं तो एरिया वाइज पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, तो आप बता देंगे जो डेक्कन प्लेटो है, दक्कन का पठार है वहाँ पे, और इधर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले में जूट का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। ये देख लीजिए, जूट के पादप को दर्शाया गया है, ये एनसीईआरटी में पिक लिया है, ये जूट का जो पादप है इसका तना है, इससे प्राप्त की जाती है, ध्यान से देख लीजिए इसको। अभी तंतुओं के बारे में पढ़ लिया, तंतु जो हैं कौन कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल में हमने पॉलिएस्टर, एक्रेलिक डिस्कस कर लिया और नायलॉन, ये तीन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं आपको, तो बिल्कुल रट लीजिए, कौन कौन से, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर और नायलॉन, ठीक है। और उसके अलावा अभी तंतुओं के बारे में डिस्कस कर लिया आप, तंतु तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद तंतुओं से धागे कैसे बनाए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है कताई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, जो पूरा जो तंतु है, जो मास होता है तंतुओं का, जैसे कॉटन तंतु हो गया, उसको फिर ऐंठते हैं, ऐंठने के बाद जो है उससे धागा बनाते हैं, और धागा बनाने के बाद जो है उस धागे से कपड़ा बनाते हैं, उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो तंतुओं से जो है धागा बनाने की, तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का जो है उपकरण भी इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको तकली कहते हैं, ये हाथ से यूज किया जाता है, इसको तकली बोलते हैं, इसे ऐंठते हैं जो तंतु होता है कॉपन को और खींचते हैं जोर जोर से, और उससे जो है धागा तैयार हो जाता है। अभी आगे पिक भी मैं दिखाऊंगा उसका, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये तकली जो है ये एक स्ट्रक्चर है, इससे जो है आपका कताई की जाती है और उससे जो है धागा बनाया जाता है। और एक चीज जो है, एक चरखा बहुत ज्यादा फेमस जो है
एक युक्ति है, वो महात्मा गांधी द्वारा बहुत ज़्यादा फेमस की गई थी। तो चरखा जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल है हमारे देश के लिए उस चरखे का। महात्मा गांधी द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था, और बहिष्कार करने के लिए हमारा जो भारी कपड़े हैं और एक हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो ग्रामीण उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और ये इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इसका जो लोकप्रिय बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। और फिर इंडियन गवर्नमेंट में उसको ये संज्ञान में रखते हुए खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए और विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की स्थापना की। अभी देख लीजिए NCERT 6 की बुक है, अब आपको ये कितना अच्छा संगठन के बारे में पता लग गया। तो ये एक संगठन है, इसका नाम है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, KBIC इसको बोलते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 1950 में, और ये जो है एक प्रकार का वैधानिक संस्था है। तीन तरह की संस्थाएं होती हैं, वैधानिक, संवैधानिक और कार्यकारिणी। वैधानिक मतलब हो गया स्टैट्यूटरी बॉडीज, और संवैधानिक हो गया कंस्टिट्यूशनल बॉडीज, और आपका कार्यकारिणी हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो ये एक प्रकार की वैधानिक संस्था है। इसको 1956 में पार्लियामेंट में एक्ट पारित करके, दोनों सदनों में एक्ट पारित करके इसका निर्माण किया गया था, इसको बढ़ावा देने के लिए। जो है विलेज इंडस्ट्री हो गई हमारी, जो ग्राम उद्योग होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसका जो है इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। इसको जो बॉडी है इसको बोलते हैं टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ये बॉडी। ये इसलिए न्यूज़ में रहती है क्योंकि जो ग्राम उद्योग हैं, जो MSME सेक्टर है, मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है एज ए हेल्पिंग इंडस्ट्री काम कर एज ए हेल्पिंग कमीशन काम करता है। विभिन्न जो प्रकार के जो बॉडी हैं उनके साथ कोलेबोरेशन में काम करता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है अक्सर। ये आपको न्यूज़पेपर में आप कभी ध्यान दीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा ये। और इसके बारे में हमने एक थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा डाटा डाल दिया है, क्योंकि ये NCERT का पार्ट नहीं है। NCERT में खाली इसके बारे में दिया गया, लेकिन मैंने कहा जब डिस्कस हो रहा है तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये एक प्रकार की वैधानिक संस्था है, और ये जो है जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है उस मिनिस्ट्री को बोलते हैं सूक्ष्म एवं लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यहाँ लिखा गया है, ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्राम उद्योगों की स्थापना एवं विकास करने में सहायता प्रदान करना। तो यही वो है इसका जो मेन मोटो है कि आपका जो ग्रामीण उद्योग है उसको बढ़ावा देना, और जो हमारे खादी के वस्त्र हैं उनको बढ़ावा देना। और ये कोलेब्रेशन में काम करता है, विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं और विभिन्न प्रकार की बॉडीज हैं, और उनके संग ये जो है बढ़ावा देता है, उद्योगों को बढ़ावा देता है। तो बहुत अच्छी संस्था है ये। ये देख लीजिए एक चित्र है, इसमें एक महिला है, वो किस प्रकार से चरखे से जो है प्रोसेस कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, अभी हमने डिस्कस किया जो क्या करते हैं चरखे से, तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो चरखे से करते हैं। अभी तागे से जो है वस्त्र बनाने के लिए अलग प्रकार की प्रक्रिया है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए चरखे का पिक्चर मैंने डाल दिया है। अभी देख लीजिए यार्न टू फैब्रिक, तागे को जो है इंग्लिश में यार्न बोलते हैं, और तागे से फिर कैसे वस्त्र बनते हैं, यार्न से कैसे फैब्रिक तक हम जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो मुख्य प्रक्रिया होती है इसके लिए, एक होती है बंधाई, एक होती है बुनाई। इंग्लिश में बोलते हैं एक को बीविंग, बंधाई को बीविंग, और बुनाई को बोलते हैं निटिंग। निटिंग वही होती है जो स्वेटर बनने की प्रक्रिया होती है, आपने कभी देखा होगा, घर पे देखा होगा किसी को स्वेटर बनते हुए। तो जो स्वेटर बिनने की प्रक्रिया को निटिंग बोलते हैं। इसमें आपका जो है जनरली सिलाई से जो है ऊन को क्रम में अरेंज करते रहते हैं और बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एक प्रकार का पूरा वस्त्र बना लेते हैं, वस्त्र या स्वेटर बना लेते हैं पूरा। और जो वीविंग होती है, वीविंग में भी देखा होगा आपने बुनते हुए, कोई प्रकार देखा होगा आपने, कोई वो होती है एक चटाई बटाई टाइप की कुछ होता है स्ट्रक्चर, उसको बुनते हैं। अभी इसमें एक डिफरेंस होते हैं, जो बंधाई होती है इसमें दो तागों के सेट को यूज में लाते हैं, और फिर उसको अरेंज करके एक के साथ जोड़ के मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, पूरा कपड़ा बना देते हैं। और जो आपका जो बुनाई होती है उसमें कभी आपने स्वेटर बनते हो देखा, जो ऊन का जो पूरा जो
गुल्ली होती है, गुल्ली से जो एक आपकी जो एक धागा आता है वहां तक सिलाई तक, तो उसमें एक सेट इस्तेमाल करते हैं धागे का, और उसको पूरा अरेंज करते जाते हैं, अरेंज करते जाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर एक तैयार कर देते हैं कपड़े का। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बुनाई और बुनाई में, इसको ध्यान रखिएगा। वीविंग और निटिंग में ये डिफरेंस है। और इसको क्या प्रक्रिया है, यार्न टू फैब्रिक, तागे से वस्त्र बनाने के लिए ये प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। और जो तंतु से तागे बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, उसको बोलते हैं कताई स्पिनिंग। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, तंतु से तागा और तागे से कपड़ा, और उनकी दोनों प्रक्रियाएं। अभी देख लीजिए, ये एक छोटा सा फिगर टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले हो गए कपास गोलक, कपास गोलक में से हमने कपास निकालनी है, कपास तंतु, उसको ओटते हैं, फिर कपास के हमको रेशे मिल गए, हमने भी डिस्कस किया है। कपास के रेशे मिलने के बाद हमने उसकी कर दी कताई, कताई से हमको मिल गया तागा। कताई के लिए दो स्ट्रक्चर आते हैं जिससे हम करते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, दो युक्ति आती हैं। कताई किससे करते हैं, एक तो हो गई आपकी कताई करने के लिए एक चरखा हो गया, और एक और स्ट्रक्चर हमने जो डिस्कस किया था पीछे वो हो गया। और उसके बाद तागे के बाद हमने करी बुनाई और एक बनाई निटिंग और वीविंग, उसके बाद बन गया वस्त्र। तो अभी हमारा वस्त्र तैयार हो गया बन के। तो ये प्रक्रिया है करने की, वस्त्र बनाने की। तो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस पे विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। बिल्कुल अनुकूल है, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया। ये डेक्कन जो प्लेटू में पाई जाती है काली मिट्टी, और वहां बहुत अधिक मात्रा में कपास की खेती होती है। तो जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए अनुकूल होती है, ये तो, ये जो हमारा कथन है वो हो गया गलत। जूट तंतु पटसन की जई से प्राप्त किया जाता है, वो सॉरी जड़ से प्राप्त किया जा सकता है। जूट तंतु पटसन पादप की जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो मैंने बोला था आपको कि जब इसको ध्यान से पढ़ें, जो जूट तंतु है वो पटसन पादप की जड़ से नहीं बल्कि तने से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त पटसन पादप से किया जा सकता जाता है, लेकिन जड़ से नहीं, तने से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी गलत हो गया। एक फ्लेक्स जो है एक संश्लिष्ट तंतु है, मतलब आर्टिफिशियल और तंतु है, सिंथेटिक तंतु है। नहीं, फ्लेक्स जो है देखने में आपको लग रहा है कि सिंथेटिक होगा, बट इसको अलसी बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी में फ्लेक्स को। तो फ्लेक्स के सीड जो होते हैं काफी उपयोग किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स एज ए न्यूट्रिएंट उपयोग किए जाते हैं। तो फ्लेक्स जो है एक संश्लिष्ट तंतु है, इससे एक प्रकार का जो है रेशा बनाया जाता है फ्लेक्स से। वो उसमें जो होता है एक्चुअली, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेचुरल अकरिंग जो है फ्लेक्स जो है नेचुरल अकरिंग है, उसको ध्यान रखिएगा। और इस ये एक प्रकार का जो है पादप से इसको प्राप्त किया जाता है, अलसी का पेड़ बोलते हैं उसको। तो इसका जो, ये भी थर्ड वाला भी गलत हो गया। तो उसका जो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से सही कथन कौन सा है, तो हमारा जो हो गया डी हो गया, क्योंकि कोई सही कथन नहीं है, तीनों के तीनों ही गलत हैं। केवीआईसी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेटूटरी बॉडी, नन। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय। यहाँ एक देख लीजिए मिस्टेक हो गई, ये सी वाला जो है वैधानिक यहाँ पे होगा, तो इसका जो सा है वो काट लीजिए, वैधानिक निकाय है, इसको देखिए। तो इसका जो केवीआईसी हो गया वो हमने अभी अभी डिस्कस किया, वो एक वैधानिक निकाय है। देखिए वैधानिक निकाय। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, तीन प्रकार की बॉडी होती है, संवैधानिक, कार्यकारिणी और वैधानिक। जो संवैधानिक बॉडी होती हैं उनका मेंशन संविधान में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। जैसे हमारा मान लीजिए देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। तो ये सब का जिक्र संविधान में है, और इसीलिए ये संवैधानिक निकाय, इनको संवैधानिक बॉडी बोलते हैं। कार्यकारिणी निकाय वो होते हैं जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बना दिए जाते हैं। मिनिस्ट्रियल ऑर्डर एक दे दिया और जो है बॉडी का निर्माण हो गया, किसी प्रकार का कोई इनके लिए एक्ट पारित नहीं करना पड़ता, विल पारित नहीं करना पड़ता है पार्लियामेंट में, जनरल बना दिया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट इसको बना सकती है। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी नीति आयोग है।
तो ये जो है एग्जाम्पल है एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडीज का। और जो हमारी खादी एवं ग्राम उद्योग है वो वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय स्टेटूटरी बॉडी में क्या होता है, इसका जिक्र तो संविधान में नहीं होता, लेकिन इसको एक संसद में जो है बिल पारित करके बनाया जाता है दोनों सदनों में। तो केवीआईसी जो है हमारा हो गया स्टेटूटरी बॉडीज। अभी देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। कंसीडर दी फॉलोइंग, फ्लेक्स, सिल्क, पॉलिएस्टर, कॉटन, नायलॉन। निम्नलिखित पर विचार करें, फ्लेक्स, सिल्क, पॉलिएस्टर, कपास, नायलॉन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। इसमें से आपको छांटने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी देख लीजिए, फ्लेक्स हमने अभी डिस्कस किया, जो फ्लेक्स है वो जो है सिंथेटिक नहीं है। वो कौन सा है फ्लेक्स? फ्लेक्स जो है आपका नेचुरल अकरिंग है, नेचुरल फाइबर है, सिल्क भी नेचुरल फाइबर है, पॉलिएस्टर तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, ये जो है संश्लिष्ट है, और नाइल कपास जो है वो तो भैया इतना कपास के बारे में डिस्कस किया, वो नेचुरल अकरिंग है, और जो नाइलॉन है वो भी संश्लिष्ट है। तो इसके जो एग्जाम्पल हो गए संश्लिष्ट तंतु के वो 3 और 5, तो सी वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कपास और जूट प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण है। सिल्क एक प्राकृतिक तंतु है जो कि कपास जो कि पादप बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास को कपास पादप की जड़ से प्राप्त करते हैं। अभी इसको आपको देखना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल अकरिंग फाइबर्स। तो अभी ये देख लीजिए, जो कपास और जूट हैं वो प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। जी हाँ बिल्कुल है। तो दो तरह के होते हैं, कपास जो होता है और जूट होता है वो जो है पादप प्राकृतिक तंतुओं में आते हैं, और एक होता है सिल्क और आपका जो ऊन जिसको हमने अभी डिस्कस किया वो आपका आता है हमारा जो जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक तंतु हैं। तो ये जो है कपास और जूट प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी देख लीजिए सेकंड वाला, सिल्क एक प्राकृतिक तंतु है जो कि पादप बीज से प्राप्त किया जाता है। जी नहीं, जो सिल्क जो है प्राकृतिक तंतु तो है लेकिन ये पादप बीज से नहीं प्राप्त किया जाता है, ये एक सिल्क वॉर्म जो सिल्क का कीट आता है जिसको रेशम कीट बोलते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। उसका जो साइंटिफिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई है, और वो किस संघ में आता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। प्लीज जरूर लिख के बताएं, इससे और भी लोगों को पता लगे, और आपकी आप सर्च करके बताएंगे तो आपको भी जानने का मौका मिलेगा, एक थर्स्ट बढ़ेगी आपके अंदर चीजों को जानने की। तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बहुत ही आसान सा है वो, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो नहीं पता है तो सर्च करिए। तो सिल्क एक प्राकृतिक तंतु है जो कि पादप बीज से प्राप्त किया जाता है, ये हो गया गलत, ये प्राप्त किया जाता है जो सिल्क कीट है। सिल्क का जो एक बहुत ही एंशिएंट टाइम में एक हमारा जो सिल्क का एक रूट बड़ा फेमस रूट हुआ करता था, वो चाइना से मेडिटेरेनियन सी तक आता था, चाइना से मेडिटेरेनियन सी तक आता था वो रूट, उसको सिल्क रूट बोलते थे। वहां को वो जो है ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता था, चाइना को जो है मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता था, चाइना हो गया एशिया में इधर ईस्ट में, उसको मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता था। मेडिटेरेनियन सी जो है वो यूरोप के नीचे है, यूरोप और यूरोप के साउथ में है, यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करता है, इसको वो मध्य सागर है, हिंदी में बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? उसके जो नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी के यूरोप है, और जो आपका साउथ में है वो आपका हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये एक सिल्क रूट के बारे में एक एडिशनल जानकारी थी, मैंने सोचा सिल्क का नाम आ गया थोड़ा दे दूं, मुझे ध्यान आ गई। और चाइना में सबसे ज्यादा मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन होता है, इससे एक बात ये भी ध्यान में आ गई हमारे, कभी एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है, जो चाइना है उसमें सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। कपास को कपास पादप की जड़ से प्राप्त करते हैं। जी नहीं, कपास पादप की जड़ से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि कपास पादप का फल से जो उसको कॉटन वॉल्फ बोलते हैं उससे प्राप्त करते हैं, उसके बीज पे ये जो होता है उसको कवर करते हैं। तो ये भी गलत हो गया हमारा, और जो सही उत्तर हो गया इसका ओनली वन। तो हमने जो था आज काफी डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस किया, एक ही चैप्टर को डिस्कस किया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा इसको एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और भी चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे, तो हमारे संग बने रहें और हमारे संग जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसमें अपना पॉजिटिव फीडबैक दें, अगर कोई
कुछ कमी लगी हो तो उस पर आप अपना नेगेटिव फीडबैक दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। इससे जो है एजुकेटर का जो है प्रोत्साहित होता है, उसका उसको पंप मिलता है और भी अच्छा काम करने का और भी अच्छे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे संग बने रहने का, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी, और जो है हम जो है सब चीजें डिस्कस करेंगे आगे, एडवांस फॉर्म में जाते रहेंगे 12th तक के सारे चैप्टर्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, एंड थैंक यू वेरी मच, और गुड बाय, गुड लक, बाय।